हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की, जो कि 1 to 7 के लिए वैलिड होगी। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स इन रिवर्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो यहां पे एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में। आपका जो फोकस है वो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ है, आप हैप्पी हैं। और ये एक फिश है, एक डेंजरस फिश, जिसने इन तीनों को निगल दिया था, इन तीनों क्रिएचर्स को, और ये वापस उस मछली के मुंह में से बाहर आते हैं, समंदर में से निकलते हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हो आपके फैमिली के लाइफ में या आपके फ्रेंडशिप्स के बीच। फ्रेंडशिप, स्पेसिफिकली फ्रेंडशिप, यहाँ पे मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों ने उसका मिलके सामना किया, एकजुट होके, और आप इस डेंजरस सिचुएशन में पढ़ के भी बाहर निकल आए। ये डेंजरस सिचुएशन में रह के भी आपका कुछ बिगड़ नहीं पाया, और यहां पे ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, ठीक है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और यहां पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप दूसरों की बहुत मदद भी करने में इंटरेस्टेड लग रहे हैं मुझे। आप दूसरों को मॉनिटरीली बेनिफिट देना चाहते हैं, आप दूसरों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी करना चाहे अपने फैमिली मेंबर्स को। बट शायद ये चीज आपके लवर को ना पसंद आए। द लवर्स इन रिवर्स का मतलब है कि आपके बीच में झगड़ा हो सकता है और ये चीज आपके लवर को ना पसंद आए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप उनको नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं और ये चीज उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ उनको एक और कंप्लेन हो सकती है कि आप अपने पैसों से दूसरों की मदद क्यों कर रहे हैं। यहाँ जिसकी आप मदद कर रहे हैं ये अनजान लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो शायद वो एक कंप्लेन करें कि तुम ऐसे क्यों चैरिटी में अपना पैसा बहा रहे हो या बहा रही हो, हमारे पास अभी इनफ नहीं है ये करने के लिए, या क्या मैं अकेले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, आजकल तुमने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया है, तुम्हारा सारा टाइम के तुम्हारे फैमिली के लिए है, तो फिर मैं क्यों हूं। इस तरह की कोई भी बात, इस तरह का कोई भी आर्ग्यूमेंट आपके बीच में स्टार्ट हो सकता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। फिर यहां पे है टेन ऑफ कप्स। अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा और आप अपने फैमिली के साथ यहां खुश रहेंगे, यूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा। और यहां पे अगर आपके किड्स हैं तो वो भी फाइन रहेंगे, ये एक अच्छा टाइम व्यतीत होगा आपका। इसके अलावा यहाँ द कार्ड ऑफ द लवर्स जो है, यहाँ पे भी अगर ये पर्सन कंप्लेन करता है तो आप अपने पार्टनर को टाइम देंगे, यहाँ पे भी आपके पास यूनियन होगा और आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने लवर के साथ। इस वीक में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एक्वेरियंस कि आप अपने फैमिली और अपने लव लाइफ में बैलेंस मेंटेन करें।
अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ओके वैसे ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है डेफिनेटली। अगर वाइस वर्सा एनर्जी आपको मिल रही है तो वो भी हो सकता है कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। द एम्प्रेस, जस्टिस इन रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो एक्वेरियंस, अगर आपके पार्टनर वाकई ऐसे कुछ पॉइंट्स रेज करते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनकी बात सुने, उनको वक्त दें, क्योंकि नहीं तो यह द एम्प्रेस का कार्ड है और जस्टिस इन रिवर्स है। तो ये जो एम्प्रेस है ये हाँ, इसको ऐसा लगता है कि ये हमेशा से आपको बहुत कुछ देती आई है, आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती आई है एंड आप अपना सारा अटेंशन अपने फैमिली और फ्रेंड्स को दे देते हैं। तो ये जो एम्प्रेस है अब चाहती है कि आप उन्हें भी वैसे प्रायोरिटी दें जैसे उन्होंने दी है। अगर वो आपको अपने लाइफ का पिन पॉइंट बना के रखी हुई है, पिवट बना के रखी हुई है, तो आपको भी वो चीज करनी होगी। आपको भी उनके लाइफ का पिवट अगर बनना है तो यहाँ पे आपको इनको अटेंशन देना पड़ेगा, इनको ये चीज फील करानी पड़ेगी कि ये भी आपके लाइफ का सेंटर है। ठीक है ना, यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स है, हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन कुछ ज्यादा ही मांग रहा है अटेंशन आपसे और ये ठीक नहीं है, ये जस्टिस नहीं है आपके साथ। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है मैरिड लोगों के लिए। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि वो आपसे, आप मैरिड हैं अगर, तो हो सकता है वो आपसे ज्यादा अटेंशन मांगे, या वो मैरिड है तो आप उनसे ज्यादा अटेंशन मांगे। अगर रिवर्स एनर्जी है, इस तरह की कोई चीज यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे ये चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी फर्स्ट वीक में अगर आप इसको इम्पोर्टेंट होने देंगे, अगर आप इस चीज को केयरफुली हैंडल नहीं करते, कि यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स है, ये ब्रेकअप तक जा सकती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फिर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं रुकेगा क्योंकि इसे लगता है कि इसने बहुत कुछ दिया और इसे मिल कुछ भी नहीं रहा और ऐसा बार बार हो रहा है। तो ये पर्सन चाहेगा कि इस चीज में से ये बाहर आए। ये हो सकता है नो कम्युनिकेशन कर ले कुछ समय के लिए, या ये ब्रेकअप की तरफ भी चीजें जा सकती हैं। ठीक है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से लें, डेफिनेटली सबसे सब में ऐसा नहीं हो सकता। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स में आ जाती है तो यहाँ पे एम्प्रेस जो है वो बहुत कड़वी हो जाती है। ठीक है, इनकी जो बातें होती है वो बहुत चुभने वाली हो जाती है, बहुत कड़वी हो जाती है और फिर इसी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं और झगड़े शुरू होते हैं। इस चीज से आपको अवेयर रहना है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ओरेकल मैसेजेस फॉर एक्वेरियंस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जून। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। ओके सो यूनिवर्स आपको कह रहा है जो आपने कहा है इनसे जो प्रोमिसेस किए हैं, जो भी प्रोमिसेस आपने लवर्स से किए हैं उसको पूरा कीजिए एक्वेरियंस। अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो आपका जो इनका जो पेशेंस है वो जवाब दे जाएगा और वो
आपसे दूर हो जाएंगे, टेक चार्ज। आपको इस रिलेशनशिप का चार्ज लेना होगा, ठीक है। ये अकेले इस रिलेशनशिप को नहीं चला सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप दोनों साइड से एफर्ट होता है तो ही चल सकता है। तो ये जो पर्सन है ये चाहता है कि आप चार्ज लें अब चीजों का, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आपने जो प्रोमिसेस किए हैं आप वो पूरे करें, आप एक एग्जाम्पल सेट करें एक अच्छा इंसान बनके। आपको इनको दिखाना होगा, ये एग्जाम्पल देना होगा कि आप किस तरह से अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं या वादे पे टिके रहते हैं, तभी जाके ये पर्सन कुछ सेटिस्फाई होगा। क्योंकि यहां इनको लगता है कि आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी दे देते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। सो ये थी आपकी फर्स्ट वीक की रीडिंग जून की एक्वेरियंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।